नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। तो खबर आजमगढ़ से, जहां 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा विजयदशमी उत्सव एवं संघ की स्थापना दिवस एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के हाल में प्रातः काल किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज के दिन विजयदशमी कार्यक्रम में शस्त्र पूजन करता है। ये क्रम तब से चल रहा है जब से संघ की स्थापना हुई है। संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी यानी दशहरा के दिन हुई थी। दशमी पर शस्त्र पूजन का विधान है। इस दौरान संघ के सदस्य हवन में आहुति देकर विधि विधान से शस्त्रों का पूजन करते हैं। संघ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हर साल शस्त्र पूजन खास रहता है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु राम जी के चित्र पर समक्ष मंत्र उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में अनिकेत द्वारा गढ़ गीत, नगर कारवा डॉक्टर परिजात द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अग्रधिकारीगण का परिचय कराया गया। नगर सहकार्यवाह राजन जी द्वारा अमृत वचन एवं विक्रम पटेल द्वारा एकल गीत के साथ किया गया। वहीं संघ की तरफ से शस्त्र पूजन हर साल पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस दौरान शस्त्र धारण करना क्यों जरूरी है, इसकी माता से भी रूबरू कराया गया। बता दें कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के नाश के लिए शस्त्र धारण जरूरी है। सनातन धर्म के देवी देवताओं की तरफ से धारण किए गए शस्त्रों का जिक्र करते हुए एकता के साथ अस्त्र शस्त्र धारण करने की हिदायत दी जाती है। वहीं हेड गवार ने अपने घर पर ही 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला संघ चालक गौरव, नगर संघ चालक रामबदन, अभय दत्त गौड़, अजय अग्रवाल, जिला प्रचारक आशुतोष, कमलेश शर्मा, परमानंद, शीतल, डॉक्टर रामजी, सुनील सेठ, प्रवीण रामनगीना, ओम प्रकाश, नरेंद्र सिंह, विजय राहुल, सत्य विजय राय आदि भारी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे।